अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फेरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही ज्यादा मजे के और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। छुट्टी का दिन है और शाम के टाइम मैं बना रही हूँ अपने घर में आज आलू के समोसे बाजार जैसे। बहुत ही ज्यादा मजे के और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं आलू के समोसे, बिल्कुल बाजार जैसे। तो मैं जो है ज्यादातर मैं अपने घर में ही बना रही होती हूँ, बाहर के मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। कभी कभी आ भी जाते हैं लेकिन ज्यादातर मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। तो आलू के समोसे बाजार जैसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, यहाँ पे मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, आलू लिए हैं बॉयल यहाँ पे मैंने 4 अदद, बॉयल करके इसे मैंने छील लिया। हरा धनिया लिया है यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून, पुदीना लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया लिया है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून और इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ली है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ली है मैंने पिसी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें ली है यहाँ पे मैंने 3 अदद, नमक लेंगे यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है हमारे आलू के बैटर में जाएगा और 1 टीस्पून हमारा मैदे की डो में जाएगा। और चाट मसाला लिया है यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून, अजवाइन लिए है यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून, ज़ीरा लिया है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, और ऑयल लेंगे इसे फ्राई करने के लिए समोसों को। और डो में थोड़ा सा जाएगा 1 टीस्पून के करीब जो है मैं इसे डो जब गूंदूंगी तो उसमें डालूंगी। और पानी लिया है यहाँ पे मैंने 1 ग्लास। तो सबसे पहले जो है बाजार जैसे समोसे बनाने से पहले हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो है अपनी डो को रेडी कर लेते हैं। तो डो में जो है मैं डालूंगी अजवाइन, अजवाइन को जो है सबसे पहले हथेली पे रखेंगे इस तरह से और इसे हाथ की ही मदद से इस तरह से कर लेंगे, हाथ की हथेली से इसे प्रेस करके। और इसमें डालना है मसल के, ये सॉल्ट है 1 टीस्पून, मैं इसमें डालूंगी डो में और 1 टीस्पून जो है हमारा आलू के बैटर में जाएगा। चले अब ये 1 टीस्पून रह गया तो ये मैं डालूंगी अपने आलू के बैटर में। और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और अब इस डो को जो है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गून लेंगे। बिल्कुल हार्ड हमें गूननी है डो, बिल्कुल पतली नहीं करनी। तो ये देखिए हमारे जो डो है बिल्कुल गून चुकी है। और अब इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ऑयल से, हल्का सा ऑयल लेंगे और इसको जो है डो के ऊपर इस तरह से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारी डो जो है सूखे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर दिया है और अब इसे साइड पे करके रख देंगे कवर करके और जल्दी से अपना जो है बैटर तैयार कर लेंगे समोसे का। यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद बाउल अलग से और इसमें डाल दूंगी मैं सारे आलू और इसे जो है मैश कर लूंगी बिल्कुल मैशर से। पहले आलू हमारे जो है बिल्कुल मैश हो चुके हैं और अब इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे, नमक, चाट मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा ऐड करेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया। ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा देता है खाने में ये समोसों में ना, ये बहुत अच्छा लगता है साबुत धनिया। और इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने इसके अंदर ऐड किया है पुदीना, तो अब इसे मिक्स करेंगे हाथ की ही मदद से। तो बैटर हमारा आलू का बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब जल्दी से जो है ऑयल चूल्हे पे रख देते हैं गरम होने के लिए। वो भी यहाँ पे हमारी रेडी है और यहाँ पे जो है इसका बैटर भी जो समोसे के में जाएगा वो भी रेडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है एक अलग से मैदा लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा लूँगी, बस इतना सा, और बिल्कुल थोड़ा सा ही जो है पानी लेंगे इसे जो है हल करने के लिए। इसे जो है हम अपने समोसों की जो है ना ये लई बनाई है हमने समोसों को जो है पेस्ट करने के लिए। तो अब इसे मिक्स करेंगे
तो ये रेडी हो चुकी है लई, इसे बिल्कुल साइड पे कर देंगे। सबसे पहले अब जो है हमने क्या करना है, इसमें डो को लेना है। डो हमारी अच्छी सी राइस हो चुकी है, हल्का सा डस्ट करेंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे। तो इसे जो है हमने बड़ा सा रोल कर लिया है और अब इसके पीसेस करेंगे छोटे छोटे से इस तरह से, इतने इतने हमने इसके पीसेस करने हैं। इसकी जो है मैंने इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे से पेड़े बना लिए क्यूट इस तरह से, और बाकी भी जो है मैं सब इसी तरह से कर लूंगी। तो ये सारे जो है पेड़े जो है बिल्कुल रेडी हो चुके, और अब जो है इसको बेलेंगे, रोलिंग करेंगे, हल्का सा डस्ट करेंगे और इसे जो है बिल्कुल ओवल शेप में हमने बेलना है। तो इसे जो है बिल्कुल इस तरह से ओवल शेप में बिल्कुल लंबा सा हमने बेलना है और अब इसे बीच में से कट करेंगे इस तरह से। और अब इस दो कोनों पे जो है, ये जो दो एजेस हैं इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे लगा देनी है हमने जो लई बना के रखी हुई है, ये लगा देंगे इस तरह से और अब इसे पैक कर देंगे और अब इसे हाथ में लेंगे और अब स्पून की मदद से इसका जो बैटर हमने रेडी किया है इसको इसके अंदर डालेंगे। तो ये बैटर इसमें डाल दिया है और अब इसे जो है इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये रेडी हो चुका है समोसा, अब इसे साइड पे कर देंगे और इसी तरह से मैं बाकी दूसरे भी बना लूंगी। हमारे यहाँ पे समोसे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल भी हमारा अच्छे तरीके से जो है वो गर्म हो चुका है और ये वाइट वाइट यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा डस्ट किया है मैदा, ताकि जो ये समोसे हैं ये नीचे जो है बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो अब इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे अपने मज़ेदार से समोसे। बस मैंने इसमें भी फिलहाल 5 समोसे डाले हैं, फिर बाकी इसमें इसके बाद डालूंगी इसे फ्राई करने के बाद। तो अब इसकी साइड चेंज कर देंगे एहतियात से। तो समोसे यहाँ पे हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं और मैं इसे निकाल लूंगी। देखें दोनों जगह से जो है दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे समोसे, कहीं से भी वाइट नहीं है। ये देखें ये भी हो गया है रेडी और ये भी हो गया है और अब इसे निकाल लेंगे आराम से। और अब इसी तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूंगी। तो तैयार है यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म बाजार जैसे आलू के समोसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बने हैं। मैंने अभी एक खा के भी देखा है, बहुत मज़े का बना है। तो आप इसे जो है शाम की चाय में भी बना सकते हैं, शाम के टाइम हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कुछ खाएं और कोई लाने वाला नहीं हो तो आप झटपट जल्दी से ये बना सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसे ग्रीन सॉस और इमली की चटनी के साथ आप ले सकते हैं, केचप के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं ये आलू के समोसे जो है हमेशा घर में खुद बनाती हूँ और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे मेरे घर में ये बनते ही रहते हैं क्योंकि बाहर से बिल्कुल नहीं आते और मैं घर के ही मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू के समोसे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है।
तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चटपटी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।